एवरीवन, वेलकम टू केयर एंड शेयर। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने आफ्टर डिलीवरी अपना वेट लॉस किया। तो मेरा जो पूरा जब मैं फुल प्रेग्नेंट थी तो मेरा वेट पहुँच गया था 82-83 kgs। और आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, देन उसके बाद जो मेरा सीजेरियन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो मेरा वेट था वो 75 kgs हो गया था। और उसके बाद से जब मैंने थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग किया तो उसने मेरी थोड़ी सी मदद की और 75 से मेरा वज़न जो है 72 तक पहुंच गया, 72 और आई थिंक 70 तक पहुंच गया था। तो 5 किलो तो आराम से ब्रेस्ट फीडिंग से ही आपका जो वज़न है वो कम हो गया, मतलब कम हो जाता है, बहुत लोग का कम हो जाता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपका और भी ज़्यादा वेट मतलब वेट लूज़ होगा। और बट मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, मेरे बच्चे ने ज़्यादा दूध दिया नहीं, तो उसने सिर्फ आई थिंक 8 से 9 महीने तक ही दूध पिया, उसके बाद नहीं पिया। तो उसके इसलिए जो वेट, फिर मेरा वेट 70 के आसपास हो गया। देन फॉर वेट लॉस के लिए मैंने दो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प की मेरी, वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप भी सेम फॉलो कर सकें। तो जो पहली चीज़ ये थी कि मैंने बहुत सारा लूक वॉर्म वाटर पीती थी। मैं एवरी डे आई थिंक मतलब 8 से 10 ग्लास, मैं कोई भी आप ग्लास ले सकते हैं, तो उस वो मैं पीती थी। एंड स्पेशली जब विंटर्स थे तो उसमें और इजी रहता है लूकवॉर्म वाटर पीना, तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। देन वेट लॉस के लिए लूकवॉर्म वाटर बहुत अच्छा होता है, और अगर आप चाहें तो साथ में एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जब मेरा वेट थोड़ा सा जहाँ तक मुझे चाहिए था वहाँ हो गया है, मतलब 70 था और अभी प्रेजेंटली मेरा 63 है, तो काफ़ी वेट कम हो गया, 7 kgs हो गया वज़न कम। तो 7 किलो वज़न मैंने आराम से ईजली किया सिर्फ खान। तो पहली चीज़ थी कि आपको करना है बहुत सारा ग्लूकोम वाटर पीना है पूरे दिन में, आप 8 से 10 ग्लास पीजिए, उसे काफ़ी हेल्प मिलती है, जो वेट होता है वो आसानी से लूज़ होता है, जो पूरा फैट होता है वो मेल्ट डाउन हो जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है फैट आपका, स्पेशली पेट के आसपास की एरिया, कमर के आसपास की एरिया ईजिली मेल्ट होती है, तो उसने मदद की। दूसरी चीज़ थी कि पोर्शन कंट्रोल, आप कितना खाना खा रहे हैं, खाने में कोई रोक टोक नहीं है, बट हाँ आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना है, और उसको आपको अलग अलग हर 2-3 घंटे बाद कुछ कुछ खाते रहिए, जैसे कि दो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट विद टी के साथ आपने पोहा ले लिया, देन उसके 2-3 घंटे बाद आपने कोई एक फल ले लिया, एप्पल खा लिया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपने अपना 2 रोटी थोड़ी सब्जी और दाल खा ली, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपने फिर से थोड़ा इवनिंग टाइम में कोई फ्रूट ले लिया, शाम को भूख लग रही है तो फ्रूट खा लो, देन इवनिंग अर्ली डिनर कर लो, डिनर में भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाओ, 2 चपाती और थोड़ी दाल और सब्जी जो आफ्टरनून में खाया वो खा सकते हैं, इतना बस सिंपल चीज़ें करनी है बहुत। तो इसे क्या होगा कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम कुछ डाइट कर रहे हैं और साथ में आपका वेट भी लूज़ होगा, बट ये जो करने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो वेट लॉस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका वेट आराम से लूज़ हो जाएगा। और मुझे काफ़ी हेल्प मिली ये दो चीज़ों में, एक तो पोर्शन कंट्रोल और एक लूक वॉर्म वाटर, ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको डाइट नहीं करना है, आपको जैसे वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, वॉकिंग का टाइम नहीं है, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं जो बहुत ही हेल्प करती है वेट लॉस में और जिसने मेरी भी मदद की। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फ्यूचर में और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय।